हेलो दोस्तों, आजाद स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के 28 राज्यों को ट्रिक से समझेंगे, इसके बाद इससे 10 संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लगाएंगे। दोस्तों, ईवीएस में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं और हो सकता है कि आपको यहाँ से फिर से प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, पहले हम किन किन राज्यों को पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम रेड पॉइंट वाले राज्यों को पढ़ेंगे जो पूर्व दिशा की ओर है। इसके बाद दोस्तों, हम ब्लू पॉइंट वाले राज्यों को पढ़ेंगे जो पश्चिमी दिशा की ओर है। इसके बाद ब्लैक पॉइंट वाले राज्यों को पढ़ेंगे दोस्तों, जो उत्तरी दिशा की ओर है। इसके बाद दोस्तों, हम भारत के मध्य राज्यों को पढ़ेंगे जो स्काई ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं। सबसे बाद में दोस्तों, हम जो है ग्रीन कलर वाले राज्यों को पढ़ेंगे तो पूर्वी दिशा में है। दोस्तों, अब हम रेड पॉइंट वाले राज्यों को टिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एक छोटा बच्चा है, अपने ताऊ को बुलाता है। आओ आ ओ पक्षी सीखें। आ से बना तमिलनाडु, आ से बना आंध्र प्रदेश, ओ से बना उड़ीसा, आ से बना पश्चिम बंगाल, बा से बना बिहार, सी से बना सिक्किम। दोस्तों, इस तरीके से ये जो है हमने 6 राज्यों को टिक के माध्यम से सीखा। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पुट अप हो सकता है कि कौन सा, निम्न में से कौन सा जो राज्य है वो बंगाल की खाड़ी से तट सीमा बनाता है, या फिर ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा राज्य जो है निम्न में से बंगाल की खाड़ी से तट सीमा नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे वाले राज्यों की तरफ। अब दोस्तों जो है, हम इन ब्लू पॉइंट वाले राज्यों को पढ़ेंगे टिक के माध्यम से। एक केरल का जो बंदा होता है वो काम करने के लिए कर्नाटक जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर बोलता है, भाई तू नाटक बहुत करता है, गो गो से बन जाता है हमारा गोवा। वो बेचारा गोवा चला जाता है काम करने के लिए। वो सोचता है कि उसने मेरी बहुत इंसल्ट की भाई, है मुझसे कहता है कि नाटक मत कर, अब मुझे महान काम करना ही पड़ेगा। और महान काम करने के लिए वो महाराष्ट्र चला जाता है। महाराष्ट्र में वो बहुत धन कमाता है, पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद वो घूमने चला जाता है गुजरात। जब वो गुजरात चला जाता है तो वहां पे देखता है कि भाई मैंने गुजरात तो पूरा घूम लिया, अब मुझे यार मेरे पास इतना पैसा है, मैं राज करना चाहता हूँ। ऐसा कोई स्थान हो जहां मैं राज कर सकूं, तो ऐसा स्थान वो उसको मिल जाता है राजस्थान। गुजरात से वो फिर चला जाता है राजस्थान। राजस्थान में वो राज तो करना चाहता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं, भाई ऐसे राज नहीं कर पाएगा, तो उसको पांच पांच जॉब करनी पड़ेंगी, तभी तो यहाँ पे राज कर सकता है। तो वो बेचारा पांच जॉब करने लगता है। पांच जॉब से हमारा दोस्त बनता है कन्या। दोस्तों, ये ट्रिक फनी तो जरूर होगी, लेकिन ये आपको दिमाग में इन राज्यों को बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है अरब सागर से तट सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा राज्य जो है अरब सागर से तट सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, या पूछ सकता है कि कौन सा राज्य जो है अरब सागर से तट सीमा नहीं बनाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो है, हम ब्लैक पॉइंट वाले राज्यों को समझेंगे। यहाँ इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। एक जो है माँ बोल रही है, माँ बोल रही है अपनी लड़की हिमा से, कि हिमा हिमा चल, हिमाचल उत्तराखंड से उत्तर की ओर। दोस्तों, हिमाचल से बनता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तराखंड ही रहेगा, और उत्तर से बनेगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये ट्रिक मैंने बनाई है, और इस ट्रिक को अगर आप सुन लेंगे कई बार तो ये आपके माइंड में बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं राज्यों में। अब दोस्तों जो है, हम मध्य वाले राज्यों को देखते हैं, भारत के मध्य वाले राज्यों को समझते हैं। एक हरिया नाम का बंदा है, हरिया से बना हमारा हरियाणा, हरिया से हमारा बना हरियाणा। हरिया नाम का बंदा है जो मध्य प्रदेश जाता है, हरिया नाम का बंदा मध्य प्रदेश जाता है, और वहां से तीन राज्यों को
भ्रमण करता है। पहला राज्य जो है झारखंड जाता है, झारखंड में भ्रमण करता है, फिर जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भ्रमण करता है, फिर उसके बाद जाता है तेलंगाना। बस दोस्तों यह ट्रिक है हमारी कि एक हरिया नाम का जो बंदा है वो मध्य प्रदेश से पहले, सबसे पहले जो जाता है झारखंड घूमने जाता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ घूमने जाता है, फिर तेलंगाना। दोस्तों ये कहानी जो है आपके दिमाग में बनी रहेगी, तो इससे ये जो राज्य हैं आपको 5 राज्य जो हैं माइंड में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं राज्यों पर। दोस्तों अब इन 7 राज्यों को जो है हम टिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी माँ की चाय, माँ की चाय मामा ने पी, माँ की चाय को मामा ने पी। ठीक है दोस्तों, तो माँ की चाय को मैंने यहाँ पे लिख लिया। माँ को इंग्लिश में एम ए ए से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, माँ को इंग्लिश में एम ए ए से लिखते हैं, और चाय को हम जो है टी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में टी बोलते हैं। बस दोस्तों यही ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम इन राज्यों तक पहुंच जाएंगे। ए से बना अरुणाचल प्रदेश, ए से बना असम, और एम से बना मेघालय, और टी से बना त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम इन राज्यों को देखते हैं। मामा ने, मामा ने, माँ से बना मिजोरम, दूसरे माँ से बना मणिपुर, ना से बना नागालैंड। ठीक है दोस्तों, इस राज्यों को जो है हमने टिक के माध्यम से समझ लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है हमसे बनते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के समूह में से किस एक का समूह जो है समुद्र तट अरब सागर पर है। अरब सागर दोस्तों, अरब सागर जो है इस तरफ पड़ता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये जो राज्य हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश इधर, उड़ीसा इधर, और जो हरिया नाम का बंदा था मध्य प्रदेश से झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जाता है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये दोस्तों नेक्स्ट भी जो ऑप्शन है वो देखते हैं। केरल, केरल हमारा यहाँ था, केरल का बंदा था एक, जो कर्नाटक में जो जाता है जॉब करने, केरल कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों इधर है हमारा, ठीक है ना। आओ आओ पबजी सीखेंगे, हाँ वो पास बनता है पश्चिम बंगाल, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी नंबर देखते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु दोस्तों इधर है, आओ 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 पबजी सीखेंगे, है ना, आंध्र प्रदेश, ये भी नहीं होगा दोस्तों। डी नंबर देखते हैं कर्नाटक, केरल गुजरात। तो केरल से वो कर्नाटक गया था और महाराष्ट्र से फिर वो गुजरात गया था, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी नंबर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड जो है कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। हमारा जो पश्चिम बंगाल इधर है, और पश्चिम बंगाल के पूर्व में झारखंड नहीं है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। अब देखते हैं दूसरा बी ऑप्शन, उड़ीसा के उत्तर में, तो वो ताऊ आओ, हाँ ओ से उड़ीसा बनता है, उड़ीसा से जो है यहाँ पे झारखंड है स्थित है, तो उड़ीसा के जो है उत्तर में जो है झारखंड स्थित है, ये बी जो ऑप्शन है वो सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के जो है निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। दोस्तों ये भारत का मैप है, इसमें देखेंगे यहाँ पे जो तमिलनाडु था, है ना, फिर केरल से वो कर्नाटक बनता जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है ए कर्नाटक, कर्नाटक हमारा ये है यहाँ पे, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है दोस्तों, हाँ, और केरल, केरल हमारा ये है दोस्तों, केरल तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ इधर है ना, और तमिलनाडु हमारा इधर है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश इधर है दोस्तों, केरल, केरल ये है हमारा, और कर्नाटक,
केरल से वो कर्नाटक जब जाता है बंदा, है ना, और नाटक करता है तो वो उसको भगा देता है। तो ये जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी नंबर जो सही होगा कि तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं, ठीक है ना। यहाँ से तमिलनाडु है दोस्तों, और यहाँ से जो है वो आंध्र प्रदेश, और ये केरल और ये कर्नाटक। अगर दोस्तों अगर आपने ट्रिक देखी होगी तो ये जो ऑप्शन है आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष, बिहार के सापेक्ष, तो दोस्तों ये मान लीजिए बिहार है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोस्तों इधर होगा उत्तरी और गोवा की स्थिति। और जब वो केरल से बंदा कर्नाटक जाता है, वो बंदा कहता है कर्नाटक में नाटक मत कर, गोवा, तो ये गोवा जो है हमारा इस साइड पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कह रहा है गोवा की स्थिति क्या है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ से डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा इस साइड जो होगा उत्तर, और ये जो होगा पश्चिम, और ये हमारा जो होगा दक्षिण होगा। तो ये जो पोजीशन होगी दोस्तों वो हो जाएगी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और इधर की जो डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो ये जो सी नंबर जो ऑप्शन है वो दोस्तों सही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दोस्तों ये बी ऑप्शन सही होगा, चित्रण कौशल क्षमता होती है, जिसको इंग्लिश में मैप भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य जो है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो देखते हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल ती है ना, हिमाचल उत्तराखंड से उत्तर की ओर, तो ये दोस्तों तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के नीचे राज्य है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। दूसरा जो ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल उत्तराखंड की ओर, तो जो है ये भी नहीं होगा दोस्तों क्योंकि उत्तराखंड तो नीचे ही है। सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दोस्तों सी नंबर सही होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। इसमें ए ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, दूसरा बी गणनाएं और अनुमान, सी ऑप्शन है माप के अनुसार चित्रण करना, और डी ऑप्शन है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। दोस्तों मानचित्रण चित्रांकन जो सिखाने से क्या होता है शिक्षार्थियों में वो सापेक्ष स्थिति और दिशा की बोध की जानकारी प्राप्त होती है, वो जो है सापेक्ष स्थिति और दिशा की बोध की जानकारी को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। तो ये जो है डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केरल के निकटवर्ती जो राज्य हैं वो कौन से हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि केरल का बंदा फिर कर्नाटक जाता है, कर्नाटक से गोवा, तो केरल के पूछ रहा है निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु तो इधर है, ठीक है, पास में है, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दोस्तों इधर है, ताऊ आओ हैं पबजी सीखे बच्चा बुला रहा था, तो ये होगा ही नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल का बंदा जो है कर्नाटक जाता है, कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र जाता है ना, तो केरल से कर्नाटक गया फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूर हो गया, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन देखते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो इधर है हमारा, और कर्नाटक, ये भी नहीं होगा दोस्तों। केरल
केरल से कर्नाटक, ये तो पास में है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है इधर पश्चिम साइड की ओर है, सॉरी पूर्वी साइड की ओर है, ठीक है ना। तो ये जो है नहीं होगा। डी जो ऑप्शन है, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल से वो कर्नाटक जाता है, केरल से क्या करने जाता है, कर्नाटक काम करने जाता है, तो और जो केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा, केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी, उसकी यात्रा की जो दिशा है वो क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझते हैं पहले, दिल्ली मान लीजिए, ये दिल्ली है, दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल जाता है। दोस्तों मैंने ट्रिक बताई थी कि जो हरिया नाम का बंदा है, हरिया से बना था हरियाणा है, हरियाणा के जो जस्ट बगल में जो है वो दिल्ली है, ठीक है। और वो हरिया नाम का बंदा कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 3 राज्यों को देखता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये दिल्ली से चलता है, दिल्ली से ये जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये दोस्तों जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से फिर कहाँ जाता है, ये झारखंड जाता है। यानी जो दिल्ली से चला तो सबसे पहले चला ये दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से चला ये पूर्व की ओर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दक्षिण फिर पूर्व, यानी पहले जो दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर पूर्व दिशा में जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों सही होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल क्रमशः जो है स्थित हैं दिल्ली के सापेक्ष देखना। दोस्तों दिल्ली जो है वो ये, ठीक है ना, ये मान लेते हैं दिल्ली है, और दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है ये हुआ आपका, ठीक है ना, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। जब वहाँ से मैंने ट्रिक बताई थी एक दोस्तों की हिमाचल उत्तराखंड से उत्तर की ओर है ना, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला, ठीक है ना, तो ये उत्तर की ओर है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, ये फिर दिल्ली से जो है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल की ओर जाता है, दिल्ली के सापेक्ष हमें स्थिति बतानी है, क्रमशः जो है दिल्ली के सापेक्ष स्थिति बतानी है। तो जो दोस्तों होगा, तो दिल्ली के सापेक्ष पहले ये जा रहा है उत्तर और फिर जो आ रहा है दक्षिण की तरफ, यानी तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी वो सही होगा, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई बंदा है, कोई व्यक्ति पहले क्या है भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की जो यात्राओं की जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी। दोस्तों इसको फिगर से समझ लेते हैं, गुजरात जब बंदा केरल से चला था, महाराष्ट्र में महान काम किया था, फिर वो गुजरात घूमने गया था, हाँ तो गुजरात, गुजरात ये मान लेते हैं, गुजरात से वो का रहना वाला बंदा है जो भोपाल मध्य प्रदेश चल देता है, इस टाइप से कुछ चलेगा, फिर वो आंध्र प्रदेश हैदराबाद यानी इस तरीके से चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा। मैंने ट्रिक बताई थी, ताऊ आओ है, आओ आओ आ से बना था आंध्र प्रदेश, हाँ तो ये जो है गुजरात से कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश भोपाल, फिर जाता है आंध्र प्रदेश, यानी पहले जो चलता है वो पूर्व की तरफ चलता है, फिर
जो चलता है वो दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन होगा पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो जो होगा दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये हमारी ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।